भीषमपुर की सब्जी मंडी सब जगह प्रसिद्ध मानी जाती थी। वहाँ लोग दूर दूर से सब्जी खरीदने आते थे। माना जाता था कि वहाँ पर सबसे ताजी सब्जियाँ मिलती हैं। अरे भैया, भिंडी कैसी दी? जी भैया, 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो दे तो रहे हो, लेकिन ताजी तो है ना? अरे भैया, यहाँ से ज्यादा ताजी सब्जी अगर कहीं भी मिल जाए तो मैं आपको 50 रुपए क्या 100 रुपए वापस करूँगा। हाँ, अच्छा ऐसा है तो मुझे दे दो 1 किलो। आलोक वहाँ से सब्जी लेकर निकल ही रहा होता है, तभी उसको एक और सब्जी वाले की आवाज आती है। अरे सब्जी ले लो, भिंडी ले लो 30 रुपए की 2 किलो। अरे भैया, क्या कहा आपने, 30 रुपए की 2 किलो भिंडी? क्या आपकी भिंडी सड़ी हुई है जो 30 रुपए में 2 किलो बेच रहे हो? भाई साहब, जो आपने भिंडी ली है उससे ज्यादा ताजी मेरी भिंडी है। विश्वास नहीं है तो तोड़ के देख लो। आलोक एक भिंडी तोड़कर देखता है तो वो सच में बहुत ताजी लगती है। आलोक को बहुत गुस्सा आता है कि उसने 50 रुपए किलो भिंडी खरीदी और यहाँ पर उसको वही भिंडी 30 रुपए की 2 किलो मिल रही है। तो आलोक पुराने सब्जी वाले के पास जाता है। आप तो कह रहे थे कि आपसे अच्छी और ताजी भिंडी अगर कहीं मिले तो आप 50 क्या मुझे 100 रुपए देंगे? तो निकालिए निकालिए 100 रुपए। मिल गई मुझे वो सब्जी वाला, देख रहे हैं, वो इससे अच्छी भिंडी 30 रुपए की 2 किलो दे रहा है। भाई साहब, आप उसकी बातों में मत आइए वरना पछताइएगा। वो ऐसा वैसा सब्जी वाला नहीं है, वो एक सौदागर है, एक भूतिया सौदागर। तुम्हारी सब्जी नहीं खरीदी तो तुम अब ऐसी बातें मनाओगे हैं? रहने दो तुम 100 रुपए, मुझे मेरे 50 रुपए ही वापस करो, मैं तो उसी से सब्जी लूंगा। अब वो तो आपकी मर्जी है साहब, मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मैं एक बार आपसे बस ये बोलना चाहता हूँ कि वो सब्जी वाला ठीक नहीं है, आप उससे सब्जी ना ले तो ही बेहतर है। ये लीजिए अपने 50 रुपए। आलोक 50 रुपए लेकर दूसरे सब्जी वाले के पास से 30 रुपए किलो की 2 किलो भिंडी ले लेता है और घर लौट जाता है। लेकिन वो सब्जी वाला सही में कोई ऐसा वैसा सब्जी वाला नहीं, बल्कि एक भूतिया सौदागर होता है। अरे सुनती हो, देखो मैं कितनी अच्छी और ताजी भिंडी लेके आया हूँ, बताओ तो जरा कितने की मिली होगी ये मुझे? 40-50 रुपए किलो तो मिली ही होगी। क्या बात है, आज तो आपने कमाल कर दिया जी। चलो आप बैठो, मैं अभी बनाकर लाती हूँ गर्मा गर्म। आलोक और उसकी पत्नी भिंडी को बैठकर बड़े मजे से खाते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो सोते हैं उनको कुछ महसूस होता है। ये मुझे क्या हो रहा है, मेरे मुंह से खून क्यों आ रहा है? मेरे साथ भी यही हो रहा है। तभी वहाँ भूतिया सौदागर उनके सामने प्रकट हो जाता है। आलोक और उसकी पत्नी वहीं पर मर जाते हैं और भूतिया सौदागर उन्हें खा लेता है। अगले दिन सतीश भी सब्जी मंडी जाता है और वो सीधा भूतिया सौदागर के पास चला जाता है। ये सब्जियाँ कितने की हैं? जितने की आपको लेनी है मैं लगा दूंगा, बहुत ताजी सब्जियाँ है, बताओ कितनी दे दूं? सब कुछ 2-2 किलो। क्या बात है, कोई पार्टी है क्या? हाँ, नया घर लिया है तो बस उसी की खुशी में एक पार्टी रखी है। तब तो मैं 2 किलो और आपको मुफ्त में दूंगा। आप बहुत अच्छे हैं, क्या आप भी मेरी पार्टी में आएंगे? जी जरूर, आपने मुझे बुलाया तो मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, पार्टी कल शाम 5 बजे है। सतीश वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी उसको एक दूसरा सब्जी वाला रोक लेता है और डरा डरा उससे बोलता है। साहब साहब, मैंने बहुत लोगों को पहले भी समझाया है लेकिन कोई मेरी नहीं समझा, पर अपनी अपनी जान गमा बैठे, लेकिन आप तो मुझे समझो साहब। तुम कौन हो और ये सब क्या बोल रहे हो? मैं सब जानता हूँ, मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया था इसी में। ओफो, लगता है कोई पागल है, घर जाता हूँ।
बहुत काम है, पार्टी है। सतीश इतना बोलकर घर चला जाता है और वहाँ जाकर अपनी पार्टी की तैयारियां करने लगता है। सतीश हलवाई को सब बनाने को बोल देता है। उसके बाद हलवाई सब बना देते हैं और फिर सारे मेहमान आ जाते हैं। तभी भूतिया सौदागर वहाँ आ जाता है और सतीश उसका अच्छे से स्वागत करता है और सब खाना खाने लगते हैं। बस सतीश और उसकी पत्नी व्रत में होने के कारण कुछ नहीं खाते हैं। सब खाना खाकर सोने चले जाते हैं, लेकिन आधी रात को फिर से उन लोगों को भी कुछ होने लगता है। भूतिया सौदागर सबके कमरों में घूमता है और सबको मार मार कर खाने लगता है। लेकिन जब वो सतीश और उसकी पत्नी के कमरे में जाता है तो देखता है कि वो तो आराम से सो रहे हैं। भूतिया सौदागर को कुछ समझ नहीं आता और वो वहाँ से उन दोनों को बिना मारे निकल जाता है। सतीश और उसकी पत्नी अगले दिन उठते हैं तो देखते हैं चारों तरफ बस खून फैला हुआ था। हमारे सब अपने मारे गए और हम बच गए, लेकिन ऐसा क्यों हो गया? ऐसा क्या था जो हमने किया और इन्होंने नहीं? तभी अचानक सतीश को वो सब्जी वाला याद आ जाता है जो उससे अजीब अजीब बातें कर रहा होता है। सुनो, मैं अभी आता हूँ, तब तक तुम पुलिस को बुलाओ। लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? कुछ नहीं, तुम वो करो जो मैंने कहा है। और सतीश वहाँ से भागते हुए सीधा उस सब्जी वाले के पास जाता है जिससे उसकी सब्जी लेने के बाद बात हुई थी। अरे सुनो, तुम उस दिन क्या कह रहे थे? मुझे क्या नहीं करना चाहिए था? और तुम क्या जानते हो? तुम मुझे क्या समझाना चाहते थे? क्या हुआ साहब, सब ठीक है ना? आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? तुम मुझे पहले बताओ, तुम मुझे क्या समझाना चाहते थे? ऐसी कौन सी बात थी? ओह साहब, जिससे आपने उस दिन सब्जी ली थी वो एक भूतिया सौदागर है। वो जिसको भी सब्जी बेचता है वो सब मारे जाते हैं। मैंने भी उससे एक दिन अपनी सब्जी खत्म हो जाने पर सब्जी ली थी, लेकिन मैं वो सब्जी नहीं खा पाया और मेरे पूरे परिवार ने खा ली, जिससे वो सब मारे गए। तब से मैंने ये गौर करना शुरू कर दिया। तो फिर तुमने कुछ किया क्यों नहीं? क्योंकि मैं बहुत डर गया था। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं इस बात को किसको और कैसे बताऊं। कहीं भूतिया सौदागर को अगर ये पता चला कि मुझे उसका सच पता है तो वो मुझे भी न मार डाले। मैं मरना नहीं चाहता साहब। तुम्हें पता है, तुम्हारे इस डर की वजह से आज मेरा घर शमशान घाट बन गया है और इस सब का जिम्मेदार मैं खुद को मानता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी तरह चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। इतना बोलकर सतीश बहुत गुस्से में अपने घर जाता है। पुलिस वहाँ आ चुकी होती है। सतीश पुलिस को सारी बातें बता देता है। हम आपकी बात समझते हैं, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। और पुलिस भी सतीश की बिना सहायता किए वहाँ से चली जाती है। लेकिन सतीश ने मन बना लिया होता है कि वो भूतिया सौदागर से बदला जरूर लेगा। सतीश भूतिया सौदागर के पास जाकर फिर से 10 किलो सब्जी खरीदने को बोलता है। अरे आप वही है ना जिन्होंने मुझे घर पर बुलाया था? क्या आपके घर पर फिर से कोई पार्टी है? हैं? और उस दिन वाली पार्टी कैसी रही? हाँ 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 हाँ, पार्टी तो बहुत अच्छी रही। इतनी अच्छी कि लोग मुझसे बोल रहे हैं कि मैं दोबारा से एक पार्टी दूं। और सब्जियाँ बहुत अच्छी बनी थी, जिसके लिए ये मैं सब्जियाँ ले रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस बार भी आप जरूर आए। हाँ, 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 मैं जरूर आऊंगा। तुम मुझे जरा बताओ कि तुम करना क्या चाहते हो? तभी वहाँ पर भूतिया सौदागर आता है और वो फिर सतीश के घर में घुसता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। अरे यहाँ तो कोई आया ही नहीं अभी तक। हाँ सब आ जाएंगे, आप बस इस बार सबसे पहले आए हैं। आइए देखिए मैंने कितनी खास तैयारी करी है आपके लिए। अरे ऐसी क्या तैयारी की है इसने? अरे देखो, मैंने आपसे इतनी सारी सब्जियां खरीदी, वो भी एकदम सस्ती और ताजी ताजी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने बगीचे में कुछ सब्जियां उगाऊं। हाँ हाँ बिल्कुल। और वो सतीश को कुछ कुछ तरीके बताने लगता है। वो उसे बीजों के बारे में जानकारी देने लगता है। तभी चुपके चुपके सतीश अपनी बीवी को कुछ इशारे करता है। उसकी पत्नी इशारे समझ जाती है और जैसे कि उन दोनों ने तय किया था,
सतीश की पत्नी बताया हुआ सामान लेकर बगीचे में आ जाती है। सतीश और उसकी पत्नी भूतिया सौदागर को उसी लकड़ियों के बीच धक्का दे देते हैं और माचिस डालकर उसको जलाकर राख कर देते हैं और भूतिया सौदागर खत्म हो जाता है।